Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel Cake Cravings Club Vlogs. मैं हूँ फिरदौस अंसारी. कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. और क्रंच 3 दिन के बाद आ रहा है. मैंने बोला था मैं लाइन से क्रंच करूँगी, पर हमेशा ऐसा होता है कि मैं प्लान करती हूँ और वो हो ही नहीं पाता है. मुझे कल ऑर्डर था, 2 दिन से मूड ठीक नहीं था, तो मैंने बोला था कि मैं कॉल किसी के नहीं लूँगी. मैं मैसेज पे भी रिप्लाई कर रही हूँ, मैं ऑनलाइन भी बहुत कम आ रही हूँ. और दूसरी बात, मैं सही में कॉल किसी के नहीं लूँगी क्योंकि नहीं मेरा मन करता किसी से कॉल पे बात करने का. और दूसरी बात ये कि आप मैसेज करते हो, मैं रिप्लाई कर देती हूँ. और कल एक ब्राइड और एक साइडर का ऑर्डर था, तो मैं उसमें बहुत बिजी थी 2 दिन में. तो मैं परसों भी क्रंच वीडियो नहीं बना पाई, कल भी क्रंच वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि वो करने के बाद मुझे पार्सल करना था, तो ये सब वजह से नहीं हो पाया. अभी क्रंच करने वाली हूँ मैं. जो अभी रिसेंटली स्टॉक आया है हाफ रोस्टेड है, इसी हाफ रोस्टेड में ही मैंने लाइट हाफ रोस्टेड मिक्स कर दिया है. और स्मोकी है खुशबू, यहाँ तक आ रही है, मुँह में पानी आ रहा है, बोले नहीं जा रहा है. तो क्रंच भी करेंगे और क्या बोलते हैं इसका नाम क्रंच कर रहे हैं. फ्रेंड के मैसेज हो रहे क्रंच भी करेंगे. और समीना ने मुझे बोला था कि दी आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आपको YouTube पे क्या अच्छा लगता है और आप इतना सज के बैठती हो, तो उसकी वजह, तो सबसे पहली बात, मुझे YouTube पर मैं अच्छी लगती हूँ. सबसे पहली वजह YouTube देखने की ये है कि मैं अच्छी लगती हूँ, मैं खुद को आके देखना पसंद करती हूँ. और दूसरी वजह ये है कि मैं बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन एक चैनल है उसकी फ़ैन हूँ, तो मैं YouTube पे उस पर मूवीज़ देखती हूँ. मैं मुकबन के वीडियोज़ देखती हूँ. मुझे फिलिपिन, जापान, कोरियन, वियतनाम और ये सारे इस एशियन कंट्रीज़ के जो मुकबन हैं, जो कि रॉ फिश खाते हैं, ऑक्टोपस, नील एंड समझ जाओ आप लोग, स्क्विड्स और प्रॉन्स और क्रेफिश और क्रैब्स, ये सब वो लोग कच्चा जब खाते हैं ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है. और ये एक चीज़ है कि जिस तरीके से वो खाते हैं. अभी एक नया चैनल मैंने परसों से देखना शुरू किया है, वो है वियतनाम का है या फिलिपिन का है, तो वो PIMP, उनका जो ट्रांसलेट किया मैंने, तो PIMPing ऐसा कुछ वो चैनल है. और वो मुकबन इतनी क्यूट है ना, और इतना खुशी कोई चीज़ खाती, तो वो चीज़ मुझे देखना बहुत पसंद है. मुझे इंडियन मुकबन नहीं पसंद है, मैं उन लोगों को देखना पसंद करती हूँ. तो वो वेल ड्रेस होके खाते, इसलिए मुझे भी पसंद है. मेरे पार्टनर का और मेरे फ्रेंड का बोलना है कि आप कुछ जो भी आप सेल कर रहे हो, आप खुद को प्रेजेंटेबल रखो ताकि लोग आपको देखना पसंद करें. इसलिए मैं नए नए लुक क्रिएट करती हूँ. मैं ब्यूटिशियन हूँ, मैंने सीखा है, तो उसकी प्रैक्टिस भी आती है. तो मुझे ये सब पसंद है. मुझे हॉरर मूवीज़ पसंद है, मुझे जंग की, और मुझे हिटलर के टाइम की जो स्टोरीज़ है, फौजी की, ये सब की, तो वो सारी मूवीज़ बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन पर आती है, तो मुझे वो पसंद है. मुझे कोरियन मूवीज़ बहुत पसंद है देखना, जिसका हिंदी ट्रांसलेक्शन बहुत अच्छा है. और वो एक कोरिया का एक चैनल, इंडियन चैनल है, बट उसमें कोरियन मूवी एक्सप्लेन होती है, तो ज़्यादा एक्शन मूवीज़ मुझे पसंद है देखना. मुझे हिंदी मूवीज़ नहीं अच्छी लगती, मुझे कॉमेडी नहीं पसंद है इतना ज़्यादा देखना. मुझे एक्शन देखना, भूत पलीत देखना, ये सब बहुत पसंद है, तो मैं इसलिए यूट्यूब पर हूँ. बाकी फ्री टाइम में मैं टिकी पर क्रिएटिव वीडियो वेरीफाई हो चुकी हूँ, तो मैं अभी फ़िलहाल तो रिसेंटली अभी ये स्टार्ट किया, क्योंकि टिकी मैं पिछले 1-1.5 साल से यूज़ कर रही हूँ, पर मैंने तक कुछ किया नहीं था. अब मैं वेरीफाई हो चुकी हूँ, तो मैं वहाँ पे रहती हूँ. इंस्टाग्राम तो आप लोगों ने मेरा, जिन्होंने, आप लोगों की बात नहीं करूँगी, कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पर मुझे इतना हगा है ना, उनके नीचे तो पाइल्स होगी, फिर आके उनके लगता मुँह में भी पाइल्स आ गई है, तो मुझे इंस्टाग्राम प्राइवेट करना पड़ा, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट हो. तो बेटर यही है कि मैंने बंद ही कर दिया. अभी सिर्फ इंस्टाग्राम की एक आईडी है, क्ले क्रेविंग्स क्लब, वहाँ पे जो है काकले का काम होगा
अब जो है मेरा पर्सनल है वो मेरा रहेगा, क्यों लोगों को देखना है वहाँ पे, मैं कौन आता है, कौन मुझे कमेंट करता है, मैं कैसे वीडियोस बनाती हूँ और कमेंट पे कितने हार्ट्स होते हैं, यानी कमेंट तक, तो वो सब बस करो यार। मेरे को इतना काम रहता है सारा दिन में कि जब मैं रात में सब ख़त्म करके सो लेटती हूँ ना, फिर मुझे याद आता है, अरे ये चीज़ तो मैं भूल गई करना, ये काम तो मेरा रह गया। मेरे मुझे अगर अब भी 2 से 3 घंटे की फुर्सत अगर पूरे दिन में मिल जाए तो मैं अपने ब्यूटिशियन और मेकअप के क्लासेस स्टार्ट कर दूँगी, मगर वो भी मैं टाइम एडजस्ट नहीं करूँ। इतनी फुर्सत है यार तुम लोगों को, इतनी फुर्सत है, मतलब वाह। ज़िंदगी में एक नसीहत इंसान को हमेशा याद रखना, जो मुझे ये बात किसी ने बोला कि फिर तो छोटी छोटी बातों को दिल पे मत लगाया करो, तुमसे ज़्यादा जो कामयाब इंसान है, जिसकी लाइफ सक्सेस है, जिसके पास सब कुछ है, कामयाब है ज़िंदगी में, काम में, वो इंसान तुम्हारी कभी बुराई नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने सक्सेस से प्यार करेगा, ना कि तुम्हारे पिन में पड़ा रहेगा। तो बस मैं तो यही चाहती हूँ, मैं तो किसी के पिन में नहीं हूँ, मैं तो किसी को नहीं बोल रही हूँ, बट आपके सब यहाँ बोल रहे हैं तो उनको ये रिप्लाई था। बाकी जिनकी जो मर्जी है करो, मुझे फुर्सत नहीं है। अगर मैं सुबह जल्दी उठना शुरू कर दूँ तो शायद मुझे दिन में 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, जिससे मैं अपने मेकअप के या ब्यूटिशियन के क्लासेस स्टार्ट कर पाऊँगी। फिलहाल तो मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो अब हो गई बातें ख़त्म, अब करते हैं हमारा क्रंच वीडियो शुरू। और क्रंच कहने वाली हूँ मैं, ये लाइट हाफ रोस्टेड है, ये राइट अप्रोच है। इसके अंदर देखते हैं आपको येलो कलर दिख रहा होगा, एक्चुअली में डार्क नहीं बचे। मेरे पास माइक नहीं है ना, दिक्कत हो जा रही है, मैं आपको लगता है अब माइक लेना ही पड़ेगा। मैंने स्टार्ट क्रंच वीडियो से की, और मेरा फेवरेट क्रंचर कोई है ना, वो है डेमाग्रे। कल रात में मैं सोचा 12:30 1 बज रहा था, तो क्रंच वीडियो बना देती हूँ, सोचा उठी बैठी, फिर वापस लेट गई, फिर मेरे फ्रेंड की मैसेज आ गई, फिर उनसे बात करने में 1 आध घंटा ऐसे ही चला गया। बोलो
हाँ फ्रोस्टेड है ये। ये स्टॉक स्मोकी बहुत अर्थी है, मेरे खाने के अंदाज से ही पता चल जाएगा आपको कि मैं अगर ज़्यादा खा रही हूँ तो मेरी फेवरेट ये है। ये बहुत खाई है मैंने, बहुत खाई है जब से ये स्टॉक लाई हूँ ना, नॉन स्टॉप ईटिंग चालू है मेरी। बहुत अच्छी है, तीन चार दिन में ना पार्सल सब पे पहुंच जाएंगे और रिव्यूज खुद ब खुद इसके आने लगेंगे। सॉफ्ट क्रंच है ये वाला नक्कू, मत आपको कर्जत साइड में रहेगा, बिग चंक लोकल मार्केट का नक्कू मत है ये आपको कर्जत साइड मिलेगा। तो कैसा लगा क्रंच? और नए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को हिट कर देना और अपना बहुत ख्याल रखना। ऑफर्स चल रहे हैं, ऑफर्स का फ़ायदा उठा लीजिए, ठीक है। 31 दिसंबर के बाद कॉम्बो, अगर इंशाल्लाह दो बल्ब जो रखे हुए हैं एक्स्ट्रा 50 kgs के वो भी यही निकले तो इंशाल्लाह मैं कॉम्बो 31 के बाद बना दूँगी, ठीक है। हाँ, कल मेरी मम्मी गुजरात जा रहे हैं तो शायद मैं ऑर्डर एक एक दिन के गैप में डिस्पैच करूं, क्योंकि अभी घर में कोई है नहीं, खाना बनाना ये वो तो मुझे ही करना है और मेरा पार्ट डिस्पैच करने का टाइम सुबह ही है जाने का, तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मैं एक एक दिन के गैप में डिस्पैच करूंगी। आप अपना ऑर्डर बुकिंग करवा लीजिए, 140 में आपको मिक्स नकूमट मिल रहा है, वो भी इतना अच्छे चंक, जो 150 वाला है वही अच्छे वैसे अच्छे चंक मिल रहे हैं। और अपना बहुत ख्याल रखना, दूसरों पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा, ठीक है।
बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।